नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, कैसे करें कहानी का नाटक में रूपांतरण। कहानी और नाटक दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। कहानी को तो हम सुनकर के भी मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नाटक में क्या होता है, कुछ पात्र होते हैं जो हमें अभिनय करके दिखाते हैं और उसमें वो अपने द्वारा जो कहानी में जो डायलॉग लिखे होते हैं वो स्वयं बोलते हैं। तो यदि दोनों में डिफरेंस करो ना, सबसे अच्छा क्या है, तो हम किसी चीज को देखते हुए सुन लेते हैं उन बातों को, तो वह कुछ हमें ज्यादा याद हो। जैसे कुछ कुछ फिल्में हैं, कुछ सीरियल्स हैं, आप लोग जिन्हें देख करके उनके द्वारा बोली गई वॉइस को आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों को वो लगभग लगभग याद हो जाता। जैसे कोई मूवी देखिए ना, तो आप लोग तुरंत है ना बाहर आकर के 70% बता सकते हैं। कहानी में भी ऐसा होता है, यदि आप लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट यदि कहानी में है तो कहानी में, लेकिन नाटक कुछ ज्यादा ही लोगों के ऊपर या पाठकों के ऊपर प्रभाव डालता है। आप भी देख लीजिएगा ना, मैं यहाँ यदि मान लो आपको कुछ शायरी सुनाता हूँ या कुछ कहानी का नाटक में रूपांतर करके दिखाता हूँ कैसे करें कैसे नहीं करें, और आप लोगों को चेहरे पर वो मुस्कान आ जाए, हाँ यार हमारे सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, हमें किस प्रकार से पढ़ाया, कैसे कैसे उदाहरण दिए थे, तो अब हमें ये समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग बन गया आप लोगों के लिए, आपको रस आना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, आपको आनंद आना चाहिए और आपको याद भी हो जाना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे किसी भी कहानी का नाटक में रूपांतरण कैसे। बहुत सारी कहानियां हैं जिनका नाटक में रूपांतरण हो चुका है, जिसमें फिल्में भी बन चुकी है, दुविधा जैसे विजयदान देथा जी का है, बहुत अच्छी मूवी बनी है पहली, चीफ की दावत भीष्म साहनी जी की, पर ईदगाह बहुत अच्छे, आमिद वाला आपने सुना होगा प्रेमचंद जी का, तो इस प्रकार से बहुत सारी कहानियों का नाटक रूपांतर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए सेशन से, मजेदार सेशन है आप लोगों के लिए, तो जल्दी से जुड़ जाइए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th में। तो आज हम अभ्यक्ति और माध्यम से कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतर, नाट्य यानी नाटक, यही ध्यान रखना है, नाटक ये भी ध्यान रखना है आपको, नाटक यानी नाटक जिसमें पात्रों द्वारा अभिनय किया जाता है। अभिनय जानते हो ना, जैसे आप वर्तमान समय में रामलीला चल रही होगी, रामलीला चल रही है ना, तो अभिनय करें, कोई राम बन रहा है, कोई लक्ष्मण बन रहा है, कोई सीता बन रही है, कोई रावण बन रहा है ना, कोई हनुमान बन रहा है, तो वो एक नाटक के रूप में दिखाया जाता है आप लोगों को, जो आपको अच्छा भी लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें एक तो समय विशेष का ध्यान रखना है, एक भाषा शैली का, एक वस्तु विशेष का, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। यानी कि जब आप किसी भी कहानी का नाटक में रूपांतरण करते हैं सबसे ज्यादा महत्व पड़ता है उस समय, समय के अनुसार हमें ढालना है। ऐसा नहीं है आप 1980 की फिल्में देखो, फिर 90 की देखो, फिर 2000 की देखो, फिर 2010 की देखो, फिर 2020 की देखो, आज फिर 2022 की देख लो, कितना डिफरेंस आ गया है। उस प्रकार आप समय के अनुसार यदि परिवर्तित करते जाइए ना वस्तुओं में, तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और उन लोगों को, उसी समय वालों को बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। तो कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, तो मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, आपके चैप्टर में तो बहुत लॉन्ग था, तो शॉर्ट में समझने की कोशिश करना। साहित्य की अलग अलग विधाओं का अलग अलग स्वरूप होता है, विधा गद और पद दो ही विधा होती है, गद में बहुत सारी होती है, फिर पद में भी, न केवल उनकी रचना प्रक्रिया अलग होती है बल्कि उसके तत्व भी अलग होते हैं, भाषा का प्रयोग भी विधा बदल जाने पर परिवर्तित हो जाती है, यानी कि भाषा बदलते तो उसकी विधा ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। इसके साथ साथ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक विधाओं का स्वरूप समय आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है, विधाओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि मैंने कहा ना समय के अनुसार उसका स्वरूप बदलना ही पड़ेगा हमें, नहीं बदलोगे तो फिर आज 1980 की फिल्में तुम्हें दिखाएं तुमको यार बहुत सिरो चल रही है, क्या है यार नहीं ठीक नहीं है, फिर हमें 2000 की चला जाए हाँ ठीक ठाक है, फिर 2010-20 फिर आपको थोड़ा समझ में आने लग जाएगा। कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में विविध और समानता, यानी कि कुछ समानताएं प्राप्त होंगी, कुछ असमानताएं प्राप्त, उनको अलग अलग कीजिए कि नाटक में क्या होता होना चाहिए और कहानी में क्या होना चाहिए, और क्या क्या होता है नाटक में, क्या क्या होता है कहानी में। जैसे
इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को समझना होगा। जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ा हुआ होता है, तो कहानी का संबंध किस किस से? लेखक और पाठक से। पाठक मान लो मैं कहानी लिख रहा हूं तो मैं लेखक हो गया, आप पढ़ रहे हो तो आप पाठक हो गए, तो इन कहानी में तो इन दो का संबंध होता है। लेकिन यदि मैं नाटक की बात करूं तो नाटक लेखक निर्देशक जो वह नाटक करवा रहा है, पात्र जो उसमें अभिनय कर रहे हैं, दर्शक जो आप देख रहे हो, श्रोता जो सुन रहे हैं, अन्य लोगों का एक दूसरे से जोड़ता है, क्योंकि दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है। मैंने कहा ना स्मृति क्या होता है, यादें। आपको याद आती है, हाँ यार मैंने पहले फिल्म वो देखी थी, आज भी तुम्हें याद होगा, उसकी यादें कुछ होंगी। तो किसी भी नाटक को हम लोग देख लेते हैं ना, तो वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। इसलिए नाटक व एवं फिल्मों को लोग देर तक याद रखते हैं। आ गया ना वही बात जो मैं बस समझा रहा हूँ। इसलिए तो मैं कहता हूँ यदि आप आज इसको पढ़ लिया ना, फिर लिख लिख के याद करो। किसी भी कहानी को नाटक में परिवर्तित करने के लिए हमें किसका, समय विशेष का ध्यान रखना चाहिए, उनकी विशेषताओं का ध्यान में रखना चाहिए, उनकी वस्तुओं के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, हैं। जिस प्रकार कहानी में किसका, लेखक और पाठकों का संबंध होता है, उसी प्रकार नाटक में लेखक निर्देशक पात्र श्रोता दर्शक आदि का जुड़ाव एक दूसरे से होता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिख के याद करेंगे तो आपकी आंखों के सामने रहेगा, आपको दिखाई देगा, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। लिख लिख के याद करना हमेशा प्यार बच्चों। यही कारण है कि गोदान देवदास उसने कहा था, सदगति आदि के नाट्य रूपांतरण कई बार हुए और कई तरह से हुए। कई बार क्यों हुए, समय के अनुसार। आज मैंने किया ईदगाह कहानी का रूपांतरण मेरे समय में, कल कोई और 2030 में करेगा उनके समय में, क्योंकि कुछ चीजें बदलती ही रहती हैं। पहले लोग पैदल जाया करते थे मार्केट, फिर ऊंट गाड़ी में जाने लग गए, फिर साइकिल से जाते थे ना, आजकल बाइक से बस से जाते हैं, कुछ एरोप्लेन से जाते हैं। मतलब किसी विदेश में कहीं पर भी जाना हो, किसी जगह पर जाना हो, जैसे मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है, मोटे पैसे वाला होगा, मोटा आदमी, मतलब मोटा है नहीं, धनवान आदमी जिनको पैसा है, तो प्लेन से जाएगा, हेलीकॉप्टर से जाएगा, गलत है सही है? कम पैसे वाला है तो बस से जाएगा, कुछ ज़्यादा पैसे वाला खुद की गाड़ी से जाएगा, पर्सनल गाड़ी से जाएगा, परेशान न हो। तो कुछ चीज़ें बदलती ही रहती हैं, तो वो चीज़ें समय के अनुसार बदलती ही, इसलिए इनका बहुत बार नाटकों में परिवर्तन हुआ है। कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है, कहानी कही या पढ़ी दोनों एक ही बात है, यानी पढ़ी जाएगी आप लोग और कह रहा हूँ मैं, मान लो। नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, नाटक मंच पर अभिनय द्वारा पात्रों द्वारा मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, जैसे फिल्में होगी, आप रामलीला चल रही है वर्तमान में, नाटक को मंच पर अभिनेता अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं। यानी कि नाटक में जैसे राम है नायक हो गया, लक्ष्मण उपनायक हो गया, रावण खलनायक हो गया, समझना इस बात को। मंच सज्जा होती है, संगीत होता है, प्रकाश व्यवस्था होती है, यानी कि उस मंच पर जो भी नाटक अभिनय कर रहा है, जो पात्र अभिनय कर रहा है, उनके पास अलग अलग डायलॉग होते हैं, तो नाटक निर्देशक का भी यह कर्तव्य होता है कि उस पर अच्छी तरह लाइट होनी चाहिए, अर्थात मंच सजा हुआ होना चाहिए, अच्छे से उनके पास डायलॉग होने चाहिए, शॉर्ट में होने चाहिए, लॉन्ग डायलॉग नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग इसमें समझेंगे। समानता यह होती है कि कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है, ये तो बात सही है। कहानी में तो चाहे तो नाटक हो चाहे कहानी हो, कहानी तो एक होती है, लेकिन नाटक में क्या होता है कि जो वाक्य दिए रहे हैं उस वाक्य के अकॉर्डिंग कोई चित्र चलना चाहिए, चित्र भी तो होना चाहिए ना, तभी तो हम लोग पटकथा लिखते हैं फिल्मों के लिए। यानी कि ईदगाह कहानी है, अब ईदगाह कहानी है ना, उसकी ईदगाह की एक पटकथा लिखी जाएगी। पटकथा किसे कहते हैं कि उन शब्दों के साथ साथ, उन शब्दों या वाक्यों के साथ साथ क्या चले, कोई चित्र बनना चाहिए। पात्र होते हैं, परिवेश होता है, कहानी का क्रमिक विकास होता है, संवाद होते हैं, द्वंद होता है और चरम उत्कर्ष होता है। एक कहानी होगी उसमें क्या होती है, कहानी और नाटक में क्या होता है, दोनों में एक कहानी होती है, पात्र होते हैं सभी में, नाटक में भी, कहानी में परिवेश भी होता है, वातावरण भी होता है, क्रमिक विकास भी होता है, संवाद भी होते हैं, आपस में द्वंद भी होता है, चरम उत्कर्ष भी दोनों में होती है। लेकिन फिर अलग क्या होता है वो देखो। इस तरह हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा कुछ मूल तत्व एक ही है। यह अवश्य है कि कुछ मूल तत्व जैसे द्वंद्व नाटक में जितना हो और जिस मात्रा में आवश्यक है उतना संभवतः कहानी में नहीं है। बात तो सही है, नाटक में जितना द्वंद्व दिखाया जाता है दो व्यक्तियों के मध्य, देखो कोई भी आप सीरियल देख लीजिएगा,
ठीक है, तो उसका एंड ऐसे होगा कि आगे पता नहीं कल क्या होगा, है हीरो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आते आते रुक गया, और घर में कुछ झगड़ा हो रहा है, अरे हीरो पहुंचेगा, वो झगड़ा होता रहेगा, देख लेगा सुन लेगा, तो क्या होगा, आप लोग थोड़ा जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, कल मैं देखूंगा इसे, तो नाटक में इस प्रकार से कुछ जिज्ञासापूर्ण तत्व डाल देते हैं जो कहानी में नहीं होता है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। यानी किसी भी कहानी को नाटक प्रवेशित कर दे तो कहानी का जो समय होता है स्थान होता है उसको विभाजित करो कि समय अब क्या चल रहा है, पहले क्या था, स्थान कौन से थे, अब कौन सा स्थान ले सकते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कहानी को में घटती है, कथा वस्तु के द्वारा ही कहानी आगे बढ़ती है और नाटक भी उसी के द्वारा आगे बढ़ता है। सबसे पहले हमें इसी को समझना है जो कहानी में घटती है। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय में घटती है। बातों से कोई भी घटना हो किसी निश्चित स्थान पर घटेगी, वो बोलो किसी बिना स्थान की घट सकती है क्या? नहीं। ऐसा भी समय घटना स्थान समय विहीन हो, कहानी की कथा वस्तु को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता हो है और उसके आधार पर दृश्य बनता है। हाँ बात तो सही है, कोई भी वाक्य होता है ना तो पहले हम लोग एक एक घटना के दृश्य निकालते हैं। एक घटना होगी, अब इसका दृश्य जब तक नहीं बनता है तब तक हम दूसरी घटना नहीं लेंगे, फिर एक एक घटना लेकर के ऐसे दृश्य हम लोग इकट्ठे करते हुए एक सीरियल या मूवी बना लेते हैं, नाटक ऐसे कहानी को नाटक में परिवर्तित कर देते हैं। तात्पर्य यह कि यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है तो वह एक दृश्य होगा। बात तो सही है, एक दृश्य जहां होगा तो वह किसी स्थान पर होगा, दोनों को हम मिला दें तो फिर वह एक दृश्य बन जाता है। स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दर्शकों को लिखा जा सकता है। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार ही औचित्य हो। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, मैंने कहा ना सबसे मूल जो जड़ है किसी भी कहानी का वो क्या है, कथानक। कथानक के द्वारा ही कहानी क्या बढ़ती है, आगे बढ़ती है। कथानक के अनुसार ही वो दृश्य होने चाहिए, वो वाक्य होने चाहिए जिसके अनुसार हम लोग नाटक परिवर्तित कर रहे हैं कहानी को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कथानक से कुछ अलग हो जाए वो दृश्य, तो फिर वो मूवी पिट जाती है। बहुत बार देखा नहीं मूवी पिट गई है, मूवी चल गई, मूवी चलती इसलिए जो कथानक के अनुसार चलती है। ऐसा नहीं कि कभी कोई दूसरी घटना आ गई फिर कोई दूसरी घटना फिर दूसरी, ऐसा नहीं, वो होती भी है ना तो उस कथानक से ही जुड़ाव होता है उनका। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है। देखो कोई भी दृश्य हो उसका प्रारंभ भी होगा, मध्य भी होगा और अंत भी होगा, ये भी ध्यान रखना। जैसे किसी फिल्म का है ना पूरा, तो एक फिल्म में प्रारंभ मध्य और अंत होता है, ऐसे ही प्रत्येक दृश्य का एक प्रारंभ एक मध्य और एक अंत होता है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, कथानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका ऐसा अंत होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। यानी कि एक दृश्य आ गया फिर दूसरा दृश्य आएगा तो उससे जुड़ता हुआ दिखाई देगा, फिर तीसरा आएगा तो इससे दूसरे से जुड़ेगा, चौथा आएगा तीसरे जुड़ता हुआ दिखाई देगा, और ये सब किससे जुड़े होंगे, ये कथानक से जुड़े हुए होंगे। इसलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए। यदि छूट भी गई तो आप कथानक के अनुसार ही कुछ वाक्य बनाइए, कुछ शब्दों को बनाइए, उससे अकॉर्डिंग कुछ शब्दों को जोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो जोड़ेंगे तब ही वो कथानक के अनुसार ही होने चाहिए। जैसे मान लो कहानी में आपने सोचा कि इसमें एक दो दृश्य ये हो सकते हैं, तो आप लोग उसमें जोड़िए ना कथानक के अनुसार। ऐसा नहीं है कि जैसी कहानी लिखी जिसने उसी के अनुसार दृश्य बने, हाँ बनने चाहिए उसी के अनुसार, लेकिन आपको कुछ कमी लग रही है इस समय, वर्तमान समय तात्कालिक समय में, कि ऐसा भी होना चाहिए इस समय, तो आप लोग उसमें कथानक के अनुसार उन दृश्यों को उन पात्रों को और उन वाक्यों को जोड़ सकते हैं, लेकिन होने चाहिए कथानक के अनुसार ही प्यारे बच्चों। ठीक है आगे देखिए, समझ में आ रहा है ना, उसका क्रम बिगड़ जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक ही में नहीं बल्कि नाटक के प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ मध्य और अंत होता है, कई दृश्य कई काम एक साथ करता है। मैंने कहा ना ऐसे पूरी कहानी का पूरे नाटक का ही प्रारंभ मध्य अंत नहीं होता है, प्रत्येक दृश्य का प्रारंभ मध्य और अंत होता है। एक ओर वह कथानक को आगे बढ़ाता है तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार कर, बात तो सही है, एक दृश्य बन गया तो दूसरा दृश्य होना चाहिए उसकी भूमिका वो पहला दृश्य तैयार कर देता है पहले से। लेकिन आजकल वॉइस ओवर ये क्या होता है कि
मुझे पता है कि यहाँ मुझे ट्रेन की आवाज़ दिखानी है तो ट्रेन की आवाज़ आ जाएगी, मुझे दिखाना क्लैपिंग की आवाज़ आनी है तो मुझे क्लैपिंग, मुझे पता है शेर की आवाज़ दहाड़ने वाली आनी चाहिए तो उसे वॉइस ओवर कहा जाता है। ऐसी ध्वनि जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र नहीं बोलता इसके माध्यम से संभव है। कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य यहाँ यह हो गया कि आपको चाहिए कि ऐसी आवाज होनी चाहिए, मैं कोई डायलॉग सुना रहा हूँ पीछे से क्लैपिंग की आवाज आनी चाहिए तो उसे वॉइस ओवर कहा जाता है। मैंने कहा कैसा लगा प्यारे बच्चों, तो आप बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते हो ना, तो ऐसा मैं वॉइस ओवर के माध्यम से आवाज निकला दूं आपकी, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा समझ में आ गया सर, ऐसे ही पढ़ाइए सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, तो इस प्रकार बोलते हैं। तो ऐसे इस वॉइस ओवर को हम लोग सेट कर दें तो फिर वो नाटक में परिवर्तित तो हो जाता है। ठीक है, कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में क्या संभावनाएं हैं। यह भी तभी संभव है जब एक अच्छे नाटक देखे जाएं, इसलिए रूपांतरण का पहला पाठ यही हो सकता है कि अच्छी प्रस्तुतियां देखें। ये देखो आप कोई कहानी लिख रहे हो तो कहानी लिखने के लिए सबसे पहले आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानी पढ़नी होंगी, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ोगे तब एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं। आप कोई पटकथा लिख रहे हो तो बहुत सारी पटकथाएं पढ़ो आप लोग अच्छी अच्छी। आप कोई दृश्य बना रहे हो तो बहुत सारे दृश्य देखो उससे संबंधित, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तब आप लोग अच्छा कुछ कर सकते हैं। देखो कुछ कहानियां हैं जिनका सफलतापूर्वक नाटक में रूपांतरण किया जा चुका है। चीफ की दावत है जो भीष्म शाह ने लिखी, उसका नाटक में परिवर्तन हो चुका है। ट्रोबा टेक्सिंग है जो मंटो का है, बहुत बार इसका नाटक में परिवर्तित हो चुका है। डिप्टी कलेक्ट्री है अमरकांत जी का, दुविधा है विजयदान देता, मैंने बताया पहली फिल्म बनी है जो, कफन है प्रेमचंद, बड़े भाई साहब प्रेमचंद, यानी बहुत सारी कहानियों का उपन्यासों का नाटक में या फिल्मों में परिवर्तित, मोटेराम शास्त्री प्रेमचंद, ईदगाह दो ज़्यादा प्रेमचंद, प्रेमचंद नाम आ रहा है, रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा का, वारेन हेस्टिंग्स का सांड उदय प्रकाश जी का, और अंत में प्रार्थना उदय प्रकाश जी का, मोहनदास उदय प्रकाश जी का, और धूप का टुकड़ा डेढ़ इंच ऊपर वीकेंड इनका निर्मल विवांती का, किस नाम से, तीन एकांत नाम से प्रकाशित नाटक हो चुका है। तो सबसे पहले हमें किसी भी कहानी का नाटक में रूपांतरण करना है प्यारे बच्चों, तो समय विशेष का ध्यान में रखना है, कथानक का ध्यान में रखना है, और वस्तुओं को भी हमें ध्यान में रखना है। और कुछ चीजें यदि इस तात्कालिक समय के अनुसार पहले नहीं थी, नहीं लिखी लेखक ने, तो आप लोग उसमें जोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो दृश्य या वो घटनाएं या जो आप जोड़ रहे हो वो कथानक के अनुसार होनी चाहिए, तभी वह आगे दौड़ेगा। जिस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कहानी का संबंध लेखक पाठक से हो, तो उसी प्रकार नाटक का संबंध निर्देशक से, श्रोता से, पात्रों से, संवादों से, इनसे उनका संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों, देखो ये एक है ईदगाह कहानी का नाटक दृश्य है जो रूपांतरण हो चुका है, ऐसे बच्चे आ रहे हैं बहुत सारे, इनमें एक हमीद भी है, तो आप लोग ऐसे चित्र दृश्य होने चाहिए, अरे वाह चांद आ गया है, आज ईदगाह का है, हम पड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हम मार्केट यानी कि अब मेला देखने जा रहे हैं, मेला का दृश्य दिखा दीजिए, मंदिर आ रहा है, बीच में बड़े बड़े भवन आ रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे आ रहे हैं, एक बूढ़ी काकी है जो बूढ़ी माँ दिखा दीजिए, चिमटा दिखा दीजिए, हामिद को पकड़ते हो, तो ऐसे बहुत सारे चित्र आप लोग दिखा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था व्यक्ति और माध्यम का। ठीक है, चैप्टर संख्या की मैं बात करूं तो चैप्टर संख्या है प्यारे बच्चों ये 11 है, 4 नहीं है प्यारे बच्चों, ये 11 है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, हमने लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब आप लोगों देखो एक कोड दिखाई दे रहा था ना Y323, ये कोड यहाँ यूज करना है हमें, कोई भी पेड बैच हम लोग लेते हैं XYZ कोई भी, तो आप कोड यूज करेंगे Y323। क्या है कोड प्यारे बच्चों, Y323 कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा, चाहे पावरफुल इंग्लिश स्पोकन का बैच हो, चाहे सक्षम बैच हो, चाहे निश्चय बैच हो, कोई भी हो XYZ। तो कैसा लगा प्यारे बच्चों, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपको PDF चाहिए, आपको MCQ चाहिए, आपको PYQ चाहिए, आपको सैम्पल पेपर चाहिए, सब कुछ मिलेगा भाई, सब भी कुछ मिलेगा कहाँ, अड्डा 24/7 ऐप पर डाउनलोड करें अभी प्ले स्टोर से। ठीक है, कहाँ पढ़ रहे हो, 11th and 12th यूट्यूब चैनल पढ़ रहे हो तो देख लेना, लाइक शेयर कमेंट्स आप लोगों के निर्भर करता है, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना है आप लोगों को प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके मुझे अवश्य बताएंगे, क्या कह रहे हो बच्चों हैं। ठीक है, ओके बेटा, ओके टाटा बाय बाय, अभी के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके।